बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आजकल हमारे देश की राजनीति में एक तरह का सिस्टम चालू हो गया है कि जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा विरोध किया, जो लोग सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार करते हैं, वो सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेके लोगों से वोट मांगने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ देश में आज हालात ऐसे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाता नहीं है, उनकी मजबूरियां हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, जो हमने कल देखी मजबूरियां। कोबरा पोस्ट का एक, आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे कोबरा पोस्ट का एक स्टिंग ऑपरेशन आया है सारे मीडिया का। तो मीडिया की अपनी मजबूरियां मीडिया दिखाता नहीं है, लेकिन किस तरह से देश में चारों तरफ दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक के बाद एक, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। एक तरफ उनके लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं, गुजरात में रोज देखने को मिलता है कि किस तरह से सरेआम सड़क के ऊपर उनको डंडों से पीटा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। पूरे देश के अंदर से इस तरह की ढेरों घटनाएं आती हैं, लेकिन उसी पार्टी के बड़े नेता अपने भाषणों में बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले लेके जब वोट मांगते हैं तो बड़ा दुख होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया था, एक छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुए। आज पूरी देश नहीं पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। उनका सम्मान किस लिए किया जाता है? उनका सम्मान इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया था, उनका सम्मान इसलिए किया जाता है कि उन्होंने पूरे केवल दलित समाज नहीं पूरे शोषित समाज के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया था। बचपन से ही उन्होंने छुआछूत को भोगा था, उनके खिलाफ तरह तरह के अत्याचार हुए, लेकिन संघर्ष करके वो पढ़े, संघर्ष करके वो विदेश गए, विदेश में उन्होंने पढ़ाई की, वापस आए, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। अंदर हमारे देश के कांग्रेस के और स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी जो कमियां थी उसके लिए उन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत की, दलित और शोषित समाज के लिए उन्होंने आवाज उठाई। और हमारे देश का सौभाग्य है कि संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी, जो सभा थी, उसके वो चेयरमैन बने और उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हमारे देश को दिया। लेकिन जो संविधान उन्होंने दिया, आज आजादी के 70 साल बाद भी उस संविधान को की कसमें तो सारे खाते हैं, सारी पार्टियां, सारे नेता सरकार बनने के पहले उसी संविधान की कसम खा के सरकार में आते हैं और सरकार में आने के बाद ठीक उसका उल्टा करते हैं जो संविधान में लिखा हुआ। संविधान कहता है बराबरी का हक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर बराबरी का हक है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संविधान के अंदर लिखा हुआ है जीने का हक। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज दलित समाज को, शोषित समाज को जीने का हक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज 70 साल के बाद भी उसी तरह की शोषित व्यवस्था बनी हुई है जो आजादी के वक्त थी। इसके खिलाफ हम सब लोगों को संघर्ष करना है। और बाबा साहब ने एक मूल मंत्र दिया था संघर्ष करने के लिए, वो है शिक्षा। अगर हम पढ़ेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तो हम और हमारे बच्चे समाज को समझने की कैपेसिटी अर्जित कर पाएंगे। दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है,
और बहुत सारे काम किए, लेकिन सबसे ज्यादा आज तवज्जो हम लोग शिक्षा को दे रहे हैं। और इसको दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। हमारे देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी गई थी, डबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अमीरों के बच्चे, पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों को जानबूझ के बद से बदतर कर दिया गया था ताकि गरीब गरीब रहेगा, गरीबों को, शोषित समाज को हम अपना वोट बैंक बना के चलेंगे और अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। एक इस किस्म की हवा बह रही थी, मंत्रियों के, नेताओं के, एमएलए के अपने प्राइवेट स्कूल चला करते थे, जानबूझ के उन्होंने सरकारी स्कूलों का भट्ठा बिठा दिया ताकि लोग मजबूरी में आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराएं। इन 3 सालों के अंदर जब से हमारी सरकार है, मैं ये नहीं कहता कि कोई चांद उतार के ले आए, लेकिन इन 3 सालों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो जो परिवर्तन हुए हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पे ना अरविंद केजरीवाल ना आम आदमी पार्टी, यहाँ केवल नारा लगेगा तो बाबा साहब ने दोस्तों मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, बहुत सारे लोग शोषित समाज से आते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में पैसा नहीं है, आप सब लोगों से गुजारिश है आप लोग भी और इस बात का प्रचार करें सारे दलित समाज में, शायद सारे शोषित समाज में, कि अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, एक टाइम की रोटी कम खा लें, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हो रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो रहा है। पिछले साल 12वीं क्लास के जो दिल्ली सरकार के नतीजे आए थे स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के नतीजे थे 78%, दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे थे 88%, 10% नतीजे सरकारी स्कूलों के ज्यादा थे। पूरे भारतवर्ष में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। तो दोस्तों अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, इसके लिए हमने ये इंतजाम किया कि 12वीं क्लास तक सारी शिक्षा मुफ्त है सरकारी स्कूलों में। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी अच्छा हो गया है, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना। 12वीं क्लास के बाद हमने इंतजाम किया है, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप उसको कॉलेज भेजना चाहते हो, कॉलेज भेजो, अच्छे से अच्छे कॉलेज भेजो। लेकिन आजकल कॉलेज की शिक्षा भी बड़ी महंगी हो गई है, हर एक के बस की बात नहीं बची है। उसके लिए हमने फिर 12वीं क्लास तक तो सरकार जिम्मेदारी लेती है, सारी शिक्षा फ्री है। 12वीं के बाद हमने इंतजाम कर दिया लोन देने का। अगर आपका बच्चा कहीं भी पढ़ता है, दिल्ली सरकार उसको 10 लाख रुपए तक का शिक्षा का लोन देती है। पहले जब आप बैंक से लोन लेने जाते थे, बैंक वाले कहते थे जमीन गिरवी रखो, कुछ गारंटी दो। अब आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार है आपके लिए, हम गारंटी देंगे आपकी। आपको कोई अपनी जमीन, अपना घर, अपने जेवर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार गारंटी देगी। आपका बच्चा एक फॉर्म भर दे बस, 10 लाख रुपए तक जितना लोन उसको चाहिए, बैंक आपको तुरंत लोन देंगे, फॉर्म भर के जमा करना है और दिल्ली सरकार उस पर साइन करती है, गारंटी देती है। जब आपका बच्चा डिग्री लेके बाहर निकलेगा, उसके 1 साल के बाद जब उसकी नौकरी लग जाएगी, तो 15 साल के अंदर आसान किस्तों के अंदर उसको लोन वापस करने को ही करते हैं। तो बच्चे के पैदा होने से लेके उसके नौकरी लगने तक का सारी शिक्षा का इंतजाम दिल्ली सरकार ने आप लोगों के लिए किया है। फिर हमने रोजगार के लिए भी इंतजाम किया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं 12वीं क्लास के बाद पढ़ने में अच्छे नहीं है, माँ बाप गरीब है, माँ बाप कहते हैं बेटा और पढ़ाई नहीं करा सकते, अब नौकरी कर ले,
बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम किया हमने। हमने यहाँ विवेक विहार में सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर एक स्किल सेंटर बनाया है। 3 साल पहले बना था, आते ही हमने पहले साल में बना दिया था। 1000 बच्चों की ट्रेनिंग होती है हर साल। 12वीं क्लास के बाद एडमिशन मिलता है, 1 साल का कोर्स है। 1 साल कोर्स करने के बाद 100% बच्चों को, जितने बच्चे पास होकर निकलते हैं उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, सारे बच्चों को 30 से 40 हजार रुपए महीने की तनख्वाह की नौकरियां सब बच्चों को मिल जाती हैं। अब इस तरह के पूरी दिल्ली में 70 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हर साल 70 हजार बच्चों की नौकरी का इंतजाम हो जाएगा मिलेगा दोस्तों। दूसरी तरफ अपने जितने बच्चे कच्चे में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं लड़ रहा हूं। आप लोग रोज अखबार में पढ़ते हो कि किस तरह से काम करने में हमें अड़चने आ रही हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, बाबा साहब अंबेडकर और हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने देश में जनतंत्र लाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ऐसे देश का, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान में लिखा है कि भारत एक जनतंत्र होगा, जनतंत्र में जनता का शासन होगा, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता वोट डालेगी, अपनी सरकार चुनेगी और जनता की चलेगी। जनता चाहे जो सरकार बनाएगी और जनता के प्रति वो सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन दिल्ली को इस जनतंत्र से पिछले 70 साल में वंचित रखा गया है। दिल्ली के अंदर जनता की नहीं चलती, दिल्ली के अंदर एलजी की चलती है। जनता चाहती है कि हमारे बच्चों को पक्का किया जाए, एलजी कहता है पक्का नहीं करेगी। जनता कहती है हमको सीसीटीवी कैमरे दिए जाए, एलजी कहता है सीसीटीवी कैमरे नहीं देंगे। जनता कहती है हमें राशन दिया जाए, एलजी कहता है राशन नहीं देंगे। अब समय आ गया है जब दिल्ली की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, अपनी इज्जत के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के लिए, जनतंत्र के लिए, और जिस सपने के लिए बाबा साहब अंबेडकर लड़े थे कि भारत में जनतंत्र आएगा, जनता का शासन होगा, जनता को वापस वो हक दिलाने के लिए दिल्ली की जनता को खड़ा होना। अपने बच्चों को पक्का कराने के लिए मैं खूब लड़ रहा हूं। दिल्ली में 17 हजार गेस्ट टीचर हैं, इन गेस्ट टीचरों को पक्का कराने के लिए हमने असेंबली में कानून पास कर दिया। असेंबली ने, दिल्ली असेंबली ने कानून पास किया कि जो आज की डेट में 17 हजार टीचर दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं वो आज से पक्के हो गए। एलजी ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने कहा ये कानून में नहीं मानता। अब मैं पूछना चाहता हूं, असेंबली ऊपर है कि एलजी ऊपर है? आप लोगों ने जिन लोगों को चुनके भेजा था इसीलिए तो चुनके भेजा था कि आपके सपने पूरे करेंगे। आप लोगों ने जिन लोगों को चुनके भेजा था इसीलिए तो चुनके भेजा था कि आपके जो बच्चे कच्चे में काम कर रहे हैं उनको पक्का करेंगे। हमने आपका सपना पूरा करने का काम किया, असेंबली के अंदर आपका कानून पास कर दिया, एलजी ने उस पर दस्तखत करने से मना कर। आप अपने जितने सफाई कर्मचारियों के बच्चे कच्चे में काम कर रहे हैं उनको हम पक्का करना चाहते हैं, उसके अंदर अड़चन लड़ाई जा रही है। लेकिन मैं संघर्ष करूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर से संघर्ष करना सीखा है। कई बार मैं सोचता हूँ, जब जितनी बार मैं उनकी जीवनी पढ़ता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की, मेरे को यही लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी वही संघर्ष है। जिस तरह से उन्होंने अपने हर कदम पे, अपने जीवन के हर कदम पे संघर्ष किया, एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी, जितना बड़ा संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कोई और आम आदमी होता तो हार मान लेता, वो सोचते आप छोड़ो चले। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने छोड़ा नहीं। आम आदमी पार्टी भी हार नहीं मान रही, हर जगह संघर्ष करेंगे, जनता के काम के लिए लड़ेंगे, जनता के हकों के लिए लड़ेंगे, आपकी शिक्षा के लिए लड़ेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों को पक्का कराने के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़ेंगे। दोस्तों आज आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे यहाँ पे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।